हेलो स्टूडेंट्स, आज आम पढ़ा जाऊे पंचम श्रेणी साहित्य बहर एक नुआ अध्याय जार नाम हूँ दुखी धन नीलमणि एवं जार कवि होंगे वैष्णव पाणी। एठार क्या विषय वर्णना कर पाने श्रीकृष्ण विषय वर्णना कर कौन वर्णना करें पढ़वा देख ये कौन कहला दुखी धन नीलमणि माँ बोली किए डाक मत गोरु घेनी फेरी आसला बेलकू कहा पाई जोगी बसिबी पथे कौन कहले ना एठारे माता जशोदा निजर कथा निज हृदय कथा एठारे वर्णना करिछंती कौन ना जेते बेले तुम्हें तो जानिछ पिला माने ना श्रीकृष्ण बुझा पड़छि श्रीकृष्ण मामु किए थिले कंस ना कंस जेते बेले जानिले जे श्रीकृष्ण हाथ रे तांकर मरण अछि सेते बेले से कौन कले बहुत चेष्टा कले श्रीकृष्ण को मारिबा पाई एवं शेषे से गोटे यात्रा कले कौन से यात्रा नाम धनु यात्रा से धनु यात्रा रे कौन सी मत भी से श्रीकृष्ण को डाके तांकर कौन बध करिए बोली से निर्णय करथिले। एही परि भाबे से श्रीकृष्ण को डाकिले तो श्रीकृष्ण मथुरा जीवा पई बाहरिले तो मथुरा जीवा कथा शुणी माता जशोदा एठारे श्रीकृष्ण को जिते सब दुष्टामीपण जिते सब गुण को एठारे बाहुनी कि सी कौन करिछंती कौन कहले देख दुखी धन नीलमणि नीलमणि किए ये श्रीकृष्ण को कही कहीं कहीं श्रीकृष्ण रंग हूँ नील एवं माता जशोदा श्रीकृष्ण होती अमूल्य धन बुझा पड़े पे तो मणि जपरी अमूल्य धन अटे से हीपरी भाव में माता जशोदा श्रीकृष्ण मणि सदृश अटंती से श्रीकृष्ण को यठार नीलमणि कहगला दुखी धन कौन पर कहीं साधारणतः माँ मैंने पा कौन दुखी धन बोली कहते तो एठारे माता जशोदा श्रीकृष्ण कहते दुखी धन नीलमणि माँ बोली किए डाक मत माने जिते बड़े श्रीकृष्ण मथुरा को जिबे से ही समय रे माता जशोदा को आउ किए माँ बोली डाक गोरु घेनी फेरी आसला बेलकू कहापाई जगी बसिबी पथे माने कौन कहले ना श्रीकृष्ण जेतेबेले गाई चरिबा को जंगल जाती फेरिबा समय रे माता जशोदा तांका बाट को अनि बसी थांती तो एक कथा कहिछंती जेतेबेले से मथुरा चली जिबे आउ किए तांको गोरु घेनी फेरी आसला बेल को माँ बोली डाकिबो एवं से तांको रास्ता को अनि बसी थिबे जे श्रीकृष्ण आसिबे बोली तो एठारे माँ जशोदा ता वर्णना करिछंती आहुरी कौन कहिले देख जेबे बिका आसिबो कोळी कांदी किए करिबो ओळी माने कौन जो समय रे श्रीकृष्ण मथुरा चली जिबे किए आउ तांको आगर आसी कोळी किणवाई अली अझट करिबो बोली माँ एठारे कहिछंती चली हेउतिले धूलि बोली होई दोली के खेलिबो कानी पणते ना एठारे माता सुधा आउ कौन कहले ना जेतेबेले श्रीकृष्ण माँ को उपरे रागी जानती सेतेबेले कौन होती देह जाकर धूलि बोली होई कौन करती माँ का पाखरे आसी तांको माँ कानी पणते पोछंती तो जेतेबेले से मथुरा चली जिबे ए सब कार्य किए करिबो बोली माँ एठारे भाळी होइछंती कौन कहला आउरी देख पिला माने जेबे दही मुआ होइबो किए से लवणी खाइबो तुम्हें तो जान पिला माने श्रीकृष्ण को लवणी खावाई बहुत पसंद अटे तो एठारे माँ जशोदा कही ना जिते बड़े दही घसा हे तो माने दही जिते बड़े बाहर कराब से ही समय रे दही खावाई किए आसी अझट कर कौन कह देख जेबे दही मुआ होइबो किए से लवणी खाइब किए आ लवणी खाइब दही मुआ हाला बेले किए आ लवणी खाइब जिते बड़े श्रीकृष्ण मथुरा चली होइन आनंद गाई दुहिबा को सिका छंद घेनी किए जीव हाते कौन कहगला पिला माने ना जेते बेले क्षीर धुआ हे से समय रे किए अति आनंदर सहित निज हाथ में सिका और छंद को धरिकी क्षीर दुहिबा को जीव बोली एठारे माँ जशोदा कहिछंती सिका तो जान पिला माने आग काल कौन होता दही छेना ए सब को कौन कर सिकार रखिकी ऊपर टंगा जाता एवं छंद कौन ना तुम्हें तो जानते पिला माने जिते बेले क्षीर धुआए केतरा गाई था लात मारती तो से ही थारू बचाप कौन खाते गाईर पछ दुई गोड़ को बंधा जाए तो सेटा कहते छंद बुझा पड़े पिला माने तो एठारे कहते माता जशोदा जिते बड़े क्षीर दुआ हे से ही समय किए अति आनंदर सहित निज हाथ में सिका छंद को धरी धाई जीव बोली एठारे माँ जशोदा कही आण कर देख पिला माने खेली जाई थिले दांडरे धूली पड़ी थाई मुंडरे
କଳି କଲେ କେହି ମା ମାହା କହି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବୁ କେତେ। କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାହାରକୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଧୂଳି ମାଟିରେ ଖେଳନ୍ତି, ଏବଂ ଧୂଳି ମାଟିରେ ଖେଳିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ଧୂଳି ମାଟି ଲାଗିଥାଏ, କାହା କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଧୂଳି ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଠିକ୍ ମାତା ଯଶୋଦା ତାହା କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଖେଳିବାକୁ ବାହାରି ଯିବେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଧୂଳି ପଡ଼ିଥିବ କିମ୍ବା କାହା ସହିତ ଯଦି ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହୋଇଯାଏ, କିଏ ମା ମା କହି ଧାଇଁ ଆସିବ। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ପିଲାମାନେ? କ'ଣ କହିଲେ, ଖେଳି ଯାଇଥିଲେ ଦାଣ୍ଡରେ ଧୂଳି ପଡ଼ିଥାଏ ମୁଣ୍ଡରେ, କଳି କଲେ କେହି ମା ମା କହି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବୁ କେତେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାହା ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ମା ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ମଥୁରାକୁ ଚାଲିଯିବେ, କାହା ପାଖକୁ ମା ମା କହି ଧାଇଁ ଆସିବେ ବୋଲି ଏଠାରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଦୁଃଖର ସହିତ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆହୁରି କ'ଣ କଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେବେ ଯିବୁ ମଧୁପୁରକୁ ଅନାଇବି କାହା ମୁଖକୁ। ନା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧୁପୁର ମାନେ ମଥୁରା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବେ, କାହା ମୁହଁକୁ ଆଉ ଚାହିଁବେ। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ମାତା ଯଶୋଦା ଏଠାରେ ଅତି ଦୁଃଖର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ ସେ କାହାକୁ ଅନେଇବେ, କାହା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବେ। କହେ ବୈଷ୍ଣବ ନିଶ୍ଚେ ଯିବ ଯିବ, ମୁରୁଛିବ ଗଳା ମାଳି କେମନ୍ତେ। ମାନେ ଏଠାରେ ବୈଷ୍ଣବ, ବୈଷ୍ଣବ କିଏ ନା କବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି, ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଯିବ ମାନେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୀବନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବ ମାନେ ଚାଲିଯିବା, ମାନେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଏଠାରେ ବୈଷ୍ଣବ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରା ଚାଲିଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଥିଲା ଗୋଟେ ମାଆର ଦୁଃଖର, ମାନେ ମା କିପରି ଭାବରେ ଦୁଃଖର ସହିତ ତାଙ୍କ ପୁଅର ସବୁକିଛି ଗୁଣକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଳି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ, ଏ ବିଷୟଟାକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲ, ଏବେ ତୁମର କାମ କ'ଣ, ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବ। ତ ପିଲାମାନେ, ଆମ LRNR ଆପ୍ଟିରେ ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ 3 ସେଟ୍ ହିସାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯିବ, ଏହି ଆପ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବ। ଏହାପରେ ଯଦି ତୁମମାନେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଆସେ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଅ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ସମସ୍ତ ଡାଉଟ୍କୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିବି।